बच्चों गुड मॉर्निंग। एक्सरसाइज 4.3 क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्वेश्चन नंबर 6 अभी हम करने वाले हैं। तो क्वेश्चन क्या है आपके पास, द डायगोनल ऑफ ए रेक्टेंगुलर फील्ड इज 60 मीटर्स मोर देन The shorter side, ठीक है। If the longer side is 30 meters more than the shorter side, find the sides of the field, ठीक है। अब हम करेंगे इसकी सॉल्यूशन। पहले हम थोड़ी सी डायग्राम बना लेते हैं। क्या है हमारे पास, एक रेक्टेंगुलर फील्ड है। क्या है, एक है हमारे पास क्या है एक रेक्टेंगुलर फील्ड, ठीक है। अब क्या है क्वेश्चन, क्या है हमारा, द डायगोनल ऑफ ए रेक्टेंगुलर फील्ड। एक फील्ड है हमारे पास, वो किस शेप में है, रेक्टेंगल शेप में। उसका जो डायगोनल है वो, जैसे आपको पता ही है कि रेक्टेंगल की एक साइड आपको दिखाई दे रही है कम है, आमने सामने वाली साइडें इसकी बराबरी होती हैं, आपको पता ही है, एक साइड कम है और एक साइड ज़्यादा है। तो डायगनल कितना है, 60 मीटर। क्या है, डायगनल ऑफ ए रेक्टेंगुलर फील्ड इज 60 मीटर्स मोर देन द शार्टर साइड। जे वाली दोनों शार्टर साइड्स हैं, तो इससे क्या है, 60 मीटर जो है वो डायगनल जो वो क्या है, ज़्यादा है। और लॉन्गर साइड जो है वो कितनी है, 30 मीटर ज़्यादा है, लेकिन किससे, शॉर्टर साइड से। तो हमने क्या निकालनी है, दो साइडें जो हैं वो निकालनी है, यानी लेंथ लंबाई भी निकालनी है इस रेक्टेंगुलर फील्ड की और चौड़ाई भी निकालनी है। और दो कंडीशंस हमारे पास हैं, वही हम यूज़ करेंगे। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, लेट शॉर्टर साइड ऑफ रेक्टेंगुलर फील्ड, हमने सपोज कर ली शार्ट, जो दोनों शार्टर ही हैं, चलो हमने ले ली AD किसके बराबर है, एक्स मीटर। अब लॉन्गर साइड जो है अगर हम ये वर्ड लेते हैं AB, तो वो कंडीशन के मुताबिक कितनी है हमारे पास, अगर हम उसमें 30 ऐड करते हैं तो कितनी हो गई, एक्स प्लस 30। इसी तरीके से डायगोनल किसके बराबर आ जाएगा, डायगोनल कंडीशन के मुताबिक क्या है कि शार्टर साइड से वो कितना बड़ा है, एक्स प्लस 60। तो हम क्या करेंगे, एक्स जो शार्टर साइड है हमने सपोज की है, एक्स उसमें हम 60 ऐड कर देंगे। यहाँ तक क्लियर है बेटा। अब क्या है, जी हमें पता है कि जो एंगल होता है बिटवीन लेंथ एंड ब्रेथ रेक्टेंगल में वो कितना होता है, 90 डिग्री, ठीक है। सो एंगल DAB इज इक्वल टू 90 डिग्री, क्यों, इन रेक्टेंगल द एंगल बिटवीन लेंथ एंड ब्रेथ इज कितना है, राइट एंगल।
इसलिए क्या हो गया, एंगल DAB कितना आ गया हमारा 90 डिग्री। अब अगर ये राइट ट्राइंगल है तो इसमें हम पाइथागोरस थ्योरम लगा सकते हैं, इन राइट एंगल ट्राइंगल कौन सी आ गई, DAB। तो इसमें हम क्या करेंगे, अगर हम पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करते हैं तो क्या आएगा हमारा, जे हमारा क्या है, डी बी आ गया हमारा हाइपरन्यूज, AB आ गया बेस और ED आ गया अल्टीट्यूड। तो क्या आ जाएगा, हाइपरन्यूज स्क्वायर इज इक्वल टू अल्टीट्यूड स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। ठीक है बच्चे, अब हमारे पास है कितना, जे डी बी कितना है हमारे पास, वैल्यू पुट करेंगे हमारे, कितना है डी बी हमारे पास, एक्स प्लस 60 स्क्वायर आ जाएगा। AD कितना है हमारे पास, एक्स स्क्वायर, और AB कितना है हमारे पास, एक्स प्लस 30। ये हमने कहाँ से वैल्यू भरी, ये वैल्यू, ये जो हमने सपोज किया था, अगर हम इसको फर्स्ट मानते हैं, इसको सेकंड लेके चलते हैं और इसको थर्ड ले लेते हैं तो क्या आ जाएगा, यूजिंग फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दी। अब जल्दी से हम क्या करेंगे, ए प्लस बी होल स्क्वायर का क्या लगा लेंगे, हम फार्मूला लगाएंगे, इसमें लगाओ ए प्लस बी स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस 60 का कितना आ जाएगा 3600, और इसका 2AB कितना हो जाएगा 120x, और इस साइड एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर 30 को खोलेंगे 900 प्लस 2AB 60x। ठीक है, अब 36 इसको हम क्या करेंगे, इस सारी जितनी भी है हमारे पास सारी टर्म्स इस साइड ले, फिर हम देखेंगे कि जो इनकी आपस में डिग्री वगैरह मिलती होगी तो उसको हम सॉल्व कर लेंगे जल्दी से। ये कितना आ गया, x2x आके आ जाएगा -2x2 -900 -60x इक्वल टू जीरो। अब -2x में स्क्वायर में से ये माइनस कर दिए, कितना आ गया -x स्क्वायर, 120 में से 60 हमारा आ गया, तो कितना आ गया प्लस 60x, और इसमें से 36 में से 900 हमने निकाल दिए तो हमारे पास बच के 2700 इक्वल टू जीरो। अब क्या करेंगे हम, अगर हम जहाँ से माइनस कॉमन ले लेते हैं तो एक्स स्क्वायर -60x -2700 इक्वल टू जीरो। तो ये क्या आ गया, एक्स स्क्वायर 60x 2700 इक्वल टू जीरो। अब ये किस फॉर्म में आ गई हमारी, क्वाड्रेटिक फॉर्म है, वैसे ही सॉल्व करेंगे जैसे हम करते आ रहे हैं। कंपेयर करेंगे इसको किसके साथ, कंपेयर इट विद जनरल फॉर्म जो होती है हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन की, प्लस bx प्लस c इक्वल टू जीरो। ए कितना आ गया हमारे पास 1, बी कितना आ गया -60, सी कितना आ गया -2700। अब हम क्या करते हैं, अगला स्टेप हमारा क्या होता है, बी स्क्वायर -4ac, तो -60 स्क्वायर 4, ए कितना आ गया 1 और सी कितना आ गया -2700। ठीक है, अब यहाँ से क्या आ जाएगा हमारा 2700। अब देखो आगे कितना आ गया हमारा, ये बी स्क्वायर -4ac किसके बराबर आ गया 3600, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 1। ठीक है, अब इसको प्लस करके हमारा क्या आ जाएगा, अब जे क्या होगा ग्रेटर देन जीरो। ठीक है बच्चे, अब जे ग्रेटर देन जीरो है तो हम हमारे पास एक्स की वैल्यू क्या आएगी, वही हम हर बार यूज कर रहे हैं, -b प्लस -b² -4ac डिवाइडेड बाय 2 इंटू ए कितना है हमारे पास 1। अब बी की वैल्यू कितनी है हमारे पास -60,
प्लस माइनस ये कितना आ गया हमारे पास 14400 डिवाइडेड बाय 2। अब ये कितना आ गया 60 प्लस माइनस का खोलते हैं तो क्या आ जाएगा, अंडर स्क्वायर रूट कितना होगा 120/2। जहाँ हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 60 प्लस 120/2, और दूसरी टर्म हमारी क्या आ जाएगी 60 माइनस 120/2। तो क्या आ जाएगा जी, एक साइड से हमारा आ जाएगा 180/2 एंड 60 हम माइनस कर देंगे तो कितना आ जाएगा -60/2। यानी क्या आ गया, एक टर्म हमारी आ गई 90 और दूसरी कितनी आ गई -30। अब जो -30 है वो रिजेक्ट हो जाएगी क्योंकि लेंथ जो है वो कभी भी नेगेटिव नहीं होती है ना। तो हमारे पास x कितना आ जाएगा, देयरफॉर x कितना है 90, लिख सकते हैं ऐसे, लेंथ कैन नॉट बी नेगेटिव। अब यहाँ से एक हमारी आ गई, एक्स क्या सपोज किया था हमने, शॉर्टर साइड, एक साइड हमारी निकल गई 90। अब हमने निकालनी है लॉन्गर साइड, उसके लिए जो कंडीशन थी वही हम यूज़ कर लेंगे। क्या थी उसमें, कितना ऐड करना है हमने, लेंथ जो थी वो लॉन्गर साइड की क्या होगी एक्स प्लस 30। तो हम क्या करेंगे, लेंथ ऑफ लॉन्गर साइड किसके बराबर आ जाएगी, एक्स प्लस थर्टी। एक्स कितना है 90 प्लस 30 कितनी आ जाएगी 120 मीटर। ठीक है बच्चे, तो इस तरीके से हमारा क्या आ जाएगा, हमारी क्या आ गई, लेंथ भी निकल गई और लेंथ भी निकल गई और ब्रेथ भी निकल गई। ठीक है, एक्स जो थी जिसको हम कह रहे हैं शॉर्टर साइड वो आ गया 90 और लॉन्गर साइड कितनी आ गई 120। ठीक है बच्चे, तो ये हमारा आज का क्वेश्चन था। इसी के साथ अगले क्वेश्चन भी जो है वो मिलते जुलते ही हैं, एक तो क्वेश्चन मैं सॉल्व करके डाल दूंगी इसी के साथ अटैच कर दूंगी, तो अपनी फेयर कॉपी मुझे चेक करवा देना। ठीक है बच्चे, थैंक्स।